मेरे YouTube चैनल अमेजिंग अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडिया में बिकने वाले टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन जिनमें आपको शानदार कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन इन पांचों स्मार्टफोन में प्राइस रेंज की कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से हमारी आज की वीडियो। दोस्तों नंबर 5 पर है OnePlus 7T Pro। इस स्मार्टफोन को अक्टूबर 2019 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड V10Q पर बेस्ड है और कस्टम UI ऑक्सीजन OS पर रन करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके रियर कैमरा की, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियल ट्रिपल कैमरा मिलता है, जहां आपको मेन सेंसर मिलता है 48 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है। इसके फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। चिपसेट इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का। 8GB की रैम और 256GB की इंटरनल मेमोरी इस स्मार्टफोन में आपको मिलती है, और इसमें बैटरी आपको मिलती है 4085 mAh की, जो कि वार्प चार्ज को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हैं 53,800 रुपये में। दोस्तों नंबर 4 पर है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट। इस स्मार्टफोन को जनवरी 2020 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड V10Q पर बेस्ड है और कस्टम UI सैमसंग वन UI पर रन करता है। बात करते हैं इसके कैमरा की, तो इसके रियर में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, जहां 12 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिलता है, 12 मेगापिक्सल का ही आपको इसमें जूम कैमरा देखने को मिलता है और 12 मेगापिक्सल का ही इसमें आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। इसमें सेल्फी के लिए आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें, तो यहाँ आपको मिलती है 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास B3 का प्रोटेक्शन मिलता है। चिपसेट इसमें आपको मिलता है सैमसंग एक्सोनोस 9 Octa 9810 का। रैम इसमें आपको 6GB की मिलती है और 128GB की इंटरनल मेमोरी इसमें आपको मिलती है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हैं 38,999 रुपये में। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। इस स्मार्टफोन को अगस्त 2019 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था और यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड V9 पाई पर बेस्ड है। इसके कैमरा की बात करें, तो इसके रियर में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा, जहां आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 12 मेगापिक्सल का इसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है और 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा मिलता है। इसके फ्रंट में सेल्फी के लिए आपको मिलता है 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसकी डिस्प्ले में आपको मिलती है 6.8 इंचेस की डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास B6 का प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है। चिपसेट आपको मिलता है सैमसंग एक्सोनोस 9 Octa 9825 का। 12GB की रैम और 256GB की इंटरनल मेमोरी इस स्मार्टफोन में आपको मिलती है। इसकी बैटरी की बात करें, तो यहाँ आपको मिलती है 4300 mAh की बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन के 256GB स्टोरेज वेरिएंट को आप खरीद सकते हैं 70,999 रुपये में। इस लिस्ट में नंबर 2 पर स्मार्टफोन है Huawei P30 Pro। इस स्मार्टफोन को अप्रैल 2019 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड V9 पाई पर बेस्ड है और कस्टम UI EMUI पर रन करता है। इसके कैमरा की बात करें, तो इसके रियर में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, जहां मेन सेंसर आपको 40 मेगापिक्सल का मिलता है, 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा मिलता है और 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है। इसकी डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें आपको मिलती है 6.47 इंचेस की OLED डिस्प्ले। इसके चिपसेट में आपको मिलता है हाई सिलिकॉन किरोन 980 का चिपसेट। माली G76 MP10 का इसमें आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है। 8GB की रैम और 256GB की इंटरनल मेमोरी इस स्मार्टफोन में आपको मिलती है। इसकी बैटरी में आपको मिलती है 4200 mAh की बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इस स्मार्टफोन को आप 52,900 रुपये में खरीद सकते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है एप्पल आईफोन 11।
इसके कैमरा की बात करें तो इसमें आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा, जहां 12 मेगापिक्सल के आपको दो कैमरे मिलते हैं। 12 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल कैमरा मिलता है और 12 मेगापिक्सल का ही आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए फ्रंट में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है 6.1 इंचेस की, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। इसमें आपको नॉच डिस्प्ले मिलती है। इसके चिपसेट की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है एप्पल A13 बायोनिक का चिपसेट। ग्राफिक कार्ड में आपको मिलता है एप्पल GPU। बेस वेरिएंट में आपको 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है। इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ आपको मिलती है 3010 mAh की बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट, जो कि 64GB स्टोरेज के साथ आता है, उसे आप खरीद सकते हैं 64,900 रुपये में। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करें।